गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री हरि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट गुजराती। आज हम गुजराती में ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे। ह्रस्व ई का चिन्ह है ये। ह्रस्व ई जुओ वाचो, स प्लस ह्रस्व का चिन्ह सी, सी से सीआर। मूराक्षरों में ह्रस्व लगाड़ो, उच्चारण करो। तो हमें ह्रस्व ई लगा के व्यंजन का उच्चारण करना है। क, क के ऊपर ह्रस्व ई लगाने से उसका उच्चारण की होता है। ऐसे ही पूरे सारे व्यंजन में उसका ह्रस्व ई लगा के उच्चारण करना है। ख, ख से खी। ग, ग से ह्रस्व वाला ई गी, घी। ची, ची। जी, जी। टी। थ से थी, द से दी, ध से धी। ऐसे करके पूरे व्यंजन का उच्चारण करना है। वाचो रीडिंग, यहाँ पे ह्रस्व ई लगा के शब्द बनाया है, उसे हमें पढ़ना है। वी मान, नी सा अड़, की नार। थनिया, दीसा, इजार। तीमीर, दीन, दिवस। सिपाही, सितार। जीत, गिरी। जिज्ञासा, सियाड़। जिराफ, शिखर। निकास, इति। किसान, किसमिस। वाचो, जीत किसमिस खा, किसान शिखर पर जा, गिरी पर चढ़, शिक्षक कविता गाए, चिराग चित्र बनाओ। सभी स्टूडेंट को ह्रस्व ई की मात्रा वाले जो शब्द यहाँ पे दिए हैं, वो अपनी टेक्स्ट बुक में उच्चारण करके लिखना है। स्वाध्याय देखते हैं। मने ओरखी मारा, मारा पहला अक्षर पर अक्षर ने वर्तुर करो। तो यहाँ पे हमें फोटो दिया गया है, तो उसको पहचान के हमें पहले अक्षर पे वर्तुर करना है। ये जो पहली पिक्चर है वो किसकी है? विमान। तो यहाँ पे वी कहाँ पे है? वी टी बी। तो यहाँ पे वी है, हमें वहां पे वर्तुर करना है। ओके, दूसरा देखते हैं। किसकी फोटो है? सीआर, टी सी ली। तो यहाँ पे सी पे हमें वर्तुर करना है। दूसरी फोटो किसकी है? किसान, की नी गी। तो हमें की पे वर्तुर करना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। योग्य अक्षर ने मदद थी खाली जगह पूरो। तो हमें यहाँ पे शब्द पहला लिख के पूरा शब्द बनाना है। राफ, तो की जी या की, तो क्या आएगा? जी। जी से कौन सा शब्द बनेगा? जिराफ। दूसरा मीर, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? ती, ती मीर। तीसरा शब्द है तार, तो यहाँ पे सी, सी तार।
आपको अपनी टेक्स्ट बुक में शब्द लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न त्रण, ह्रस्व ई मात्रा लगाड़ो अने वाँचो। तो यहाँ पे हमें ह्रस्व ई मात्रा लगा के उच्चारण करना है। निसार, विसार, ह्रस्व ई लगा के क्या उच्चारण होगा? दिशा चार। दूसरा है सितार व गाड़। आगे का देखते हैं। सियार वन मा जाए, जिराफ दिन मा न फर। ऐसे करके आपको अपनी पूरी टेक्स्ट बुक में ह्रस्व ई का चिन्ह लगा के शब्द का उच्चारण करना है। यहाँ पे खाली जगह दी है, वहां पे दो में से कौन सा राइट आएगा वो शब्द यहाँ पे हमें लिखना है। और इसमें पिक्चर दी है और उसका पहला अक्षर हमें पिक्चर को पहचान के वर्तुल करना है। विशेषवाचन दिवारी, इला आज दिवारी, इला फटाकड़ा लाव, फटाकड़ा फटफट थाय, बारक बदा हरकाय, राजा नवा कपड़ा लाव, जय मिठाई लाव। तो हमें दिवाली पे फटाकड़ा फोड़ के और नए कपड़े लेके सबको दिवाली की शुभकामनाएं देख के दिवाली मनाते हैं। उसके बाद दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द सीखते हैं। दीर्घ ई जुओ वाचो, भ प्लस दीर्घ ई बराबर भी, भी से भीम। छोटे भीम को तो सभी पहचानते हैं। ओके, मूलाक्षरों में दीर्घ ई लगाड़ो, उच्चारण करो कि क के ऊपर दीर्घ ई लगाने से की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी, टी। ऐसे करके सारे व्यंजन का उच्चारण करना है। हमें यहाँ पे शब्द दिए हैं जो दीर्घ ई वाले शब्द है, ये हम पढ़ते हैं। पहला है खीर, नीर, वीर, तीर, गाडी, सीडी, सीटी, मीठी, पानी, की डी, बी डी, खादी, गाडी, गीता, मीता, सीता, हाथी, वाणी, बकरी, चकली, माछली, खिचड़ी, अनाडी, लाकड़ी, वाटकी, माकड़ी, पाटली। ऐसे करके ह्रस्व ई वाले शब्द का हमें उच्चारण करना है और अपनी नोटबुक में ये पूरे सारे शब्द उसमें लिखना है उच्चारण करके। जोड़ा करूंगा ये खट्टी मीठी काची खाटी, मीठी पाकी पाकी पीड़ी कैरी, काची कैरी लीली, मीठी मीठी। तो यहाँ पे दीर्घ ई लगा के शब्द बनाए हैं, उसका हमें उच्चारण करके अपनी नोटबुक में लिखना है। मीनिंग देखते हैं। मीठी यानी स्वीट, कैरी यानी मैंगो, ग्री लिली यानी ग्रीन, पीरी यानी येल्लो, खाटी यानी शॉर्ट। आगे का पेज देखते हैं। स्वाध्याय,
नाम लखो। तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, उसको पहचान के हमें पूरा शब्द लिखना है। तो ये पहला है जो वो भोजन की पीसी हुई थाली है, तो हमें गुजराती में थारी लिखना है, थाली। दूसरी फोटो है छाता, तो हमें यहाँ पे छतरी लिखना है। दूसरी है तंग यानी जीव, यहाँ पे हमें जीव लिखना है। ये है पानी, हमें यहाँ पे पानी लिखना है। ये फोटो लकड़ी यानी लकड़ी। ये फोटो एलिफेंट यानी हाथी। तो हमें यहाँ पे फोटो को देख के पहचान के नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है वाक्य पूरा करो। पहला है मीना खाली जगह खा, तो खाली जगह में क्या आएगा, मीना मिठाई खा, तो हमें यहाँ पे मिठाई लिखना है। मीना मिठाई खा। दूसरा है सीता खाली जगह वगाड़, तो सीता क्या बजाएगी, सितार, तो हमें यहाँ पे सीता सितार वगाड़। चकली खाली जगह लावी, तो हमें दाना लिखना है, चकली दाना लावी। चौथा है फेमिनानी फेमिना खाली जगह नी सीसी लावी, तो फेमिना कौन सी सीसी लाई थी, दवा, तो हमें यहाँ पे दवा लिखना है, फेमिना दवानी सीसी लावी। आपको अपनी पूरी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करने की है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।